क्या तुम पूरे पागल हो गए हो? अभी भी कंट्रोल में हो, ज्यादा गुस्सा तो महसूस नहीं हो रहा। नहीं, बस मामूली सा गुस्सा आ रहा है। सोते वक्त तुम फिर से जैन के रूप में आ जाती हो। वो भोंपू बजाना क्या जरूरी था? थोड़ी कॉमेडी के लिए बहुत जरूरी था। ये कई सालों का सफर है जिसका तुम्हें हम सफर बनना होगा। बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। निकी। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स ही है आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। हल्क बनने के लिए बैलेंस जरूरी है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये सब स्टंट तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। सुपर पावर वाले लोग आजकल हर तरफ दिखने लगे हैं। हम उनके लिए एक नया डिवीजन खोलने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम शी हल्क उस नए डिवीजन का चेहरा बने। जेनिफर वॉल्टर्स, नमस्ते। मैं ये केस नहीं लड़ सकती। इस आदमी ने मेरे कजिन को मारने की कोशिश की थी, ब्रूस को। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ। लोगों को इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं एमिल ब्रॉन्स्की की लॉयर हूँ। मुझे लगता है उन्हें इंटरेस्ट है क्योंकि वो कहते हैं, हे, वो देखो ग्रीन लड़की। जेन, बदलने का वक्त आ गया। ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रेस है। मुझे बिल्कुल नहीं करना है। मिस वॉल्टर्स, हम सीधा ऊपर वाले को जवाब देते हैं। हमारा ब्रह्मांड तबाही के कगार पर खड़ा है। देखिए, मैं एक लॉयर हूँ और सिर्फ कायदे से काम करती हूँ। विशांति ग्रंथ के नहीं, बल्कि अमेरिकन लॉ के कायदे। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम हो एक सुपर हीरो। तो हो जाए। वो स्कूल का एक बच्चा याद है तुम्हें, जो सबसे कूल था, सबसे स्मार्ट था और सबसे पॉपुलर हुआ करता था। हेलो। मुझे तुमसे जलन हो रही है। क्या दिन आ गए हैं यार।